नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हाईवे नंबर 9 पर साहवाल में नव निर्माण श्री गौशाला का काम जोरों पर। हाईवे नंबर 9 के पास में गांव साहवाल में नव निर्माण गौशाला श्री कृष्ण गौशाला का काम जोरों पर चल रहा है। गौशाला में 5 नए कमरों का निर्माण किया जा रहा है। शेड की छत डाली गई है। यह गौशाला 2 एकड़ भूमि में बनाई गई है और गाँव वालों ने 2 एकड़ भूमि को गौचरण व हरा चारा बीजने के लिए गौशाला को दान दी है। इस भूमि का पानी खराब था, गौ माता की कृपा से गौशाला का पानी मीठा निकला। आसपास की भूमि में पानी पूरी तरह से खराब है, खारा है, लेकिन गौशाला में जब बोर किया गया तो वहां बिल्कुल मीठा पानी निकला। गौशाला की नीम पत्थर बाबा गुरुशरणदास मोड़ मंडी वालों ने रखी। इस गौशाला का कार्य भी बाबा गोपाल नंद जी की देख रेख में हो रहा है। सेवादारों का कहना है कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से सेवादार आए हुए हैं। गौ माता को समर्पित दानवीर पहुंच रहे हैं। प्रभु कृपा से संत गोपाल नंद के भक्तों ने अन्य कई जगहों पर गौशालाएं भी बनाई है, क्योंकि बढ़ते हुए हाईवे पर एक्सीडेंट व आवारा गौ हत्यारों से बचाने के लिए इस गौशाला का निर्माण किया गया है। इस गौशाला में 150 गौएं हैं। गौशाला में 31 मेंबरी कमेटी का गठन भी किया गया है ताकि कार्य को पूरा किया जा सके और सुचारू रूप से चलाया जा सके। सववाला फर्स्ट के गांव वालों को गौशाला तैयार होने के बाद में सौंप दी जाएगी। यहां पर रोजाना लंगर चलता रहता है और अनेकों श्रद्धालु यहां पर आते हैं, गौ सेवा करते हैं। और इस मौके पर मंजीत सिंह कांगो व खजांची प्रधान प्रकाश सिंह भंबू व अंग्रेज सिंह सरपंच, चरणजीत सिंह सरपंच प्रतिनिधि और बलवीर सिंह सलाहकार, जगतार सिंह व अन्य श्रद्धालु भी उपस्थित थे। आप देख रहे हैं ओडा पल पल से अमित झुंझ की ये रिपोर्ट।